अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएमएच न्यूज़ के साथ मैं हूं अफजल अय्यूबी। नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। हुकूमत स्टेट बैंक गैर मुल्की एयरलाइंस की जानब से ऑपरेशन महदूद करने का नोटिस ले। पाकिस्तानी मुआशरे पर एक और खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आमदन की अपने मुमालक तरसील पर पाबंदी की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान में अपने सीलिंग ऑपरेशन महदूद और मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर कर रही है, जिससे मजीद मुआशी मसाइल जन्म लेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर मियाँ रहमान अजीज चंद, नायब सदर हरसती की ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मियाँ अमर यूसुफ रिजवी और इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन चेयरमैन एम इलियास चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से और अपनी सियासी रेशादवानियां शायद वो अपनी कुछ सेटल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिससे मुराद मेरी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो तबाह बर्बाद हो रही है। उनके अपने मसले हल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हुकूमत को ये एहसास ही नहीं हो रहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे करप्शन या कोई और नहीं बल्कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को इस मसले को हल करेंगे तो मईशत का पहिया भी खुद बहुत चलेगा। हमने ये पाकिस्तान में पहली दफा देखा है कि इकोनॉमिक जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो किस बुरी तरह इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है, और तमाम मुल्क का पहिया इस टाइम पे रुका हुआ है। हमें जब ये टेलीविजन के थ्रू और मीडिया के थ्रू जब ये देखने को मिलता है कि कैबिनेट के अंदर गुफ्तगू हो रही है फराग गोगी के असासों के ऊपर, रेदर देन के बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही, वहां पे जो हमें मामला दरपेश है उसके ऊपर मामला वहां पे उस पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो क्या इस हुकूमत में फर्क था पहली हुकूमत से? तो क्या फिर आया हमारा बींग अ टैक्स पेयर कोई हक हकूक पाकिस्तान में नहीं है क्या? तो मैं वजीर आजम से अपील करूंगा कि खुदारा थोड़े से होश के नाखून लें और अपनी अवाम का सोचें, और वो बातें अपनी कैबिनेट के अंदर जो हमारे टैक्स पेयर मनी से जो आपकी कैबिनेट मीटिंग चल रही है मुल्क की फलाह के लिए और बेहतरी के लिए पॉलिसी मेकिंग करें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा हुकूमत वाला से, तमाम हुकूमतों से, कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी बनकर सोचें, और ये इनकी नुमाइंदगी करते हुए आई कैन श्योर कि लाहौर चेंबर विल ऑलवेज बी देयर जी, पूरी ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के साथ खड़ी होगी, पूरे ये इस जो बिजनेस नेटवर्क है, खाली इसके अंदर टिकट इशूइंग नहीं है, बहुत सारा रोजगार और भी मुंसलिक है पाकिस्तान के अंदर। टूरिज्म प्रमोट करनी है, टूरिज्म हमारा स्लोगन रहा, चार साल बाद क्या आज हम उस स्लोगन से पीछे हट रहे हैं? क्या पाकिस्तान में लोगों को नहीं लाना आपने? और कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से खरीद लेंगे टिकट्स, और कब तक खरीद लेंगे? तो मेरी आखिर में फिर यही दरखास्त है बिफोर हैंडिंग ओवर द माइक टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एसोसिएशन कि हुकूमत इस पे फौरी एक्शन ले और पाकिस्तान को इस एम्बैरेसमेंट से बचाए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बायलेटरल एग्रीमेंट की समझ ही नहीं है। हम बायलेटरल एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं जो बिटवीन टू कंट्रीज होता है, और हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि जैसे कि आपको खबरें मिलती हैं कि एयरलाइंस वाले बड़ा सीरियस नोट के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसीज को कम करने के चक्कर में हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री तो तबाह पहले ही कोविड में इतनी ज्यादा हो गई थी कि कहने की याद नहीं है। रही सही कसर ये स्टेट बैंक ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जो रेमिटेंस हम नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। अगर खुदा ना कास्ता अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो क्या होगा? आपके एम्प्लॉयमेंट्स, आपके रेवेन्यूज, और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि कितना बड़ा रेवेन्यू ये वायद इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको पे करती है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कंटेनर्स जो बिला वजह रुके हुए हैं, क्योंकि दो चीजें हैं कि जब कार्गो आता है ये किसी एग्रीमेंट के तहत आता है, तो अगर उस एग्रीमेंट में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसके एडवांस पेमेंट होनी चाहिए या रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट पहले आप पे करें तो फिर होगा, वो क्रेडिट पे हैं। अगर उसमें क्रेडिट 6 महीने का है तो दे आर नॉट सपोज टू डिटेन दैट बिफोर 6 मंथ, दैट शुड बी गिवन देम ए फ्री टाइम। तो उसके बाद उनकी ज़रूरत है, उससे पहले उनको रिलीज़ करें। उसकी वजह है कि उन्होंने उससे आगे माल रिप्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो जितना आप उनको अननेसेसरी पेंडिंग करेंगे वो अपने कमिटमेंट्स बाहर आना नहीं करेंगे, डिलेज हो जाएंगी, ऑर्डर कैंसिल होंगे। तो ऑर्डर कैंसिल होना एक तो हमारी कंट्री की बदनामी है,
दूसरा उसमें आपके एडिशनल एक्सपेंस जो आपके अनप्लैंड एक्सपेंस थे वो उसमें शामिल हो जाएंगे, विच इज़ ग्रेट लार्ज लास्ट फॉर द कंट्री। हमने कोई ऐसा फिलहाल एस्टिमेट नहीं किया कि इसका कितने अमाउंट, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन देर ह्यूज लॉस, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन आपकी रुक गई है। इसमें पिछले दिनों में आया था कि 5-6 कंपनीज ऐसी हैं जिनके 3,000 वर्कर्स हैं वो बंद हो गई हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनको रॉ मटीरियल टाइमली नहीं मिल रहा। अब उसमें 5-6 कंपनीज जिनका हर कंपनी में 2,500-3,000 वर्कर या 2,500-3,000 फैमिलीज आगे, तो यू कैन वेल इमेजिन कि हो लास्ट दे आर सफरिंग। देखिए जी, पहले पेमेंट्स जो थी वो स्मूथली हो रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कार्गो की बात है उसमें हर फोर्टनाइट में आपको पेमेंट करना होती है, आप उसको रोक लेते हैं, और ये जो गारंटीज़ हमने, हम जो कार्गो बुक करते हैं उसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज में गारंटीज़ दी होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज में गारंटी देने का मतलब है कि स्टेट बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पेमेंट्स। तो अगर ये टाइमली नहीं करते, दे हैव एवरी अथॉरिटी टू कैश अवर गारंटीज विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू देम इन फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर गारंटी इन कैश होती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बदनामी है उसमें, कि उन्होंने दे वर सपोज टू रिमिट दैट मनी ऑन फिक्स डेट्स एंड दे हैव बीन अनएबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस। तो बेसिकली स्टेट बैंक जो है उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मैं कहूँगा प्रायोरिटी उस वक्त भी नहीं होती जब उनके पास फंड्स नहीं है। देखिए जी, मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर देना और बात है, फिज़िकली उसको एग्जीक्यूट करना और बात है। मेरी स्टेट बैंक गवर्नर से बात हुई है, मैंने कहा कि जी जितनी इम्पोर्ट जितनी एक्सपोर्ट ये रिड्यूस हो रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देट, चूँकि आप और बाबे इख्तियार में हैं, आप आल इन आल हैं टू मेक द अरेंजमेंट्स ऑफ रेमिटेंस, और अगर आप नहीं करेंगे तो लाखों डॉलर की गारंटीज़ एजेंट्स ने, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देट अगर वो इन कैश हो जाती हैं, और उसमें बदनामी कितनी होगी पाकिस्तान की। हमारा ये है कि जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमने बाहर भिजवाना है, दैट शुड बी टाइमली रिमिटेड, उसमें एक घंटे की भी डिले नहीं होनी चाहिए। फिक्स डेट है, फिक्स डेट में दैट शुड बी आउट ऑफ पाकिस्तान।